लॉकडाउन और एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को की है। उन्होंने कहा है कि 26 अप्रैल से 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार की तरफ से 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगाया गया था, इसे बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि 700 टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है, मिल रहा है 330 टन ऑक्सीजन। इससे ऑक्सीजन की कमी काफी भयावह हो गई है। राज्य के मंत्री अफसर ऑक्सीजन की कमी को लेकर समन्वय स्थापित कर रहे हैं ताकि अस्पतालों तक ऑक्सीजन समय पर पहुंच सके। केंद्र सरकार भी ऑक्सीजन की कमी को दूर करने की कोशिश कर रही है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर अफरा तफरी की स्थिति कम हो जाएगी। सभी राज्यों के सीएम को पत्र लिखकर ऑक्सीजन की कमी को दूर करने का आग्रह किया है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है, लेकिन हमारे ऑफिसर्स, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सभी लोग रात रात भर पिछले कुछ दिनों में जब से ऑक्सीजन की कमी हुई है, एक एक अस्पताल जहाँ जहाँ कमी है वहाँ सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से, ट्रक ड्राइवर से जो लेके आ रहा है उससे फ़ोन कर करके कोशिश कर रहे हैं कि समय पे अस्पताल में पहुँचे। तो सबसे पहले तो मैं उनको जो रात रात भर काम करके और अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुँचाने की जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतने मुश्किल समय में इतनी मेहनत कर रहे हैं। हमने एक वो पोर्टल टाइप बनाया है और ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं जिसमें हर दो दो घंटे में मैन्युफैक्चरर से लेके और अस्पताल तक, एंड यूज़र तक, हर एक को दो दो घंटे के अंदर अपनी ऑक्सीजन की पोजीशन बतानी पड़ेगी। कि मैन्युफैक्चरर को बताना पड़ेगा कि पिछले दो घंटे के अंदर कितने ट्रक उसके निकले, सप्लायर को बताना पड़ेगा कि कितने ट्रक उसके दिल्ली के अंदर, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, अस्पतालों को बताना पड़ेगा कि पिछले दो घंटे में कितनी इस्तेमाल हो गई, कितने घंटे की और बच गई, ये सारी चीज़ें, ताकि दिल्ली सरकार को पता रहे कि कहाँ कमी आने वाली है। दोनों टीमें, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, अच्छे से मिल के काम कर रही हैं। जहाँ से भी हम लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, ऑक्सीजन के टैंकर मिल सके, पूरे देश से, दुनिया भर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी है कि अगर आपके यहाँ, आपके राज्य में, गवर्नमेंट में या किसी कंपनी में कोई ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी हो तो हमें ऑक्सीजन मुहैया कराइए, ऑक्सीजन टैंकर मुहैया कराइए। कुछ एक राज्यों के साथ बातचीत भी शुरू हुई है, जब भी कुछ कॉन्क्रीट नतीजे आएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति है, इन कठिन परिस्थितियों के अंदर सब मिलके काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो इतनी बड़ी इमरजेंसी क्रिएट हो गई है इससे हम लोगों को जल्द छुटकारा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एवरी वेलकम, यू've नेवर नोन, वेलकम टू अ जर्नी यू've नेवर इमेजिनड, वेलकम टू अरेबिया सऊदी। दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा।